पप्पू, तुम्हें ये केट रेट ये सब पढ़ना कौन सिखाता है? गोवर्धन मास्टर। सी आर ओ क्रो, क्रो माने कौवा। सी आर ओ क्रो, क्रो माने कौवा। पी ए आर ओ टी पैरोट, पैरोट माने सुग्गा। भौजी, क्रो माने कौवा। एक्सक्यूज मी चाची, तू के हो और चिल्लात का है बड़ू? मैं पप्पू की चाची हूँ। आप बच्चों को गलत सलत अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? तोहरा से के कहलास कि हम गलत पढ़ावत बानी? अच्छा, सी आर ओ क्रो, क्रो की स्पेलिंग सी आर ओ डब्ल्यू होती है, डब्ल्यू कहाँ गया? अरे जल्दी जल्दी में डब्ल्यू छूट गयी तो कौन पहाड़ टूट गयी? अरे तू तो खाना बनाओ थकबू तो तोहरा से धनिया मिर्चा हल्दी कुछ न कुछ तो छूट जात हो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम्हारे गलत पढ़ाने की वजह से पप्पू हर साल फेल हो जाता है। हाँ तो फेल तो होबे ना करी, पप्पू तो खुद ही गधा बा। पप्पू गधा नहीं, गधे तुम हो। हेलो, ये कहाँ हंगामा है? और तुम कौन हो? मैं पप्पू की चाची हूँ, और आप कौन है? मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। अच्छा हेडमास्टर जी, देखिए आपके टीचर कितना गलत सलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ गलत तो पढ़ा रहा है, 5,000 के तनख्वाह में इससे ज्यादा अच्छा कहाँ पढ़ाएगा। राधे श्याम सीताराम, जितना पैसा उतना काम। You're not making fun of such a serious matter? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग? एगो काम करा, पप्पू के तू ही पढ़ा के पास करा ला। और अगर मैंने पप्पू को पास करा दिया तब? माँ कसम नौकरी छोड़ दूंगा दुर्गा माई। ठीक है, तो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जा। अरे शर्त लगाए के का जरूरत है? कहीं पप्पू पास हो गई तो पूरा स्कूल के नाम मिट्टी में मिल जाए ना गोवर्धन। अरे परीक्षा में अभी 13 दिन बाकी बा। हाँ। 13 दिन में देखा तानी की का उखाड़ ले। हाँ, सही बात है। ठीक बा, ठीक। गोवर्धन बाबू, श्राद्ध कितना दिन में होला? 13 दिन में। तब तू तैयारी करा, 13 दिन बाद हमार भौजी पिंडा के बाहर तोहरे सर पे फोड़ी। हाँ बोलो बेटा। सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्रो का मतलब कौवा। सी आर ओ क्रो, क्रो माने कौवा। ओ नो बेटा, सी आर ओ नहीं, सी आर ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू बोलो। सी आर ओ क्रो, क्रो माने कौवा। है देखा, एगो और नया नौटंकी शुरू हो गई घर में। तुम वहाँ क्या देख रहे हो? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बोलो सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। सी आर ओ क्रो, क्रो माने कौवा। यहाँ अरे आओ रे, का रे बचना, सुन लिया तोर भौजाई गोवर्धन मास्टर के चैलेंज कर ले भैया? बिल्कुल सही सुन ले वाला, पपुआ के पास होते ही गोवर्धन मास्टर के नौकरी गईल। अच्छा, और कहीं पपुआ फेल हो गईल तब तो का तोर भौजाइया निरहुआ के छोड़ के गोवर्धन मास्टर के लगे चल जाई का रे? जवान संभाल के, भौजी का अगर कुछ कहले तो जवान काट ले। ई देखा बड़ा गरमाता रे, लागा था भौजैया देवरों के जवानी का रस चखा दे ले पिया। ए बबलू ये दो, ई देखा मोटको फड़फड़ाता रे। ए जेठ वाले ना घबरो मत सारे, साल में एक महीना जेठ का भी होला। खराब जादे ले आ गइल तोर भौजाई। अरे सारे ओकरा पेटीकोट में ढुका दो, नहीं तो बहुत मार मारे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उस दिन तू ही था ना जिसने मुझे आइटम बोला था? करेक्ट, कहे कि तू देखे में कौनो सती सावित्री ना, चतुर्भुज स्थान के टॉप के माल लगाइलू। अब की बार सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार जरूरत पड़ी तो चप्पल उतार कर मारूंगी। तोरा के पता नहीं खे केकरा के थप्पड़ मर ले आ, न बाप के पता न जात के, बहुरिया बन के गांव में आग लगाओ तारे। अब हम बताए तोरा के गांव और गांव के रिवाज। बहुत कैसे लगो ले, बहुत कैसे लगो ले, कैसे लगोले?
बेचन। का भइल बाबूजी? पहले ये बताओ तोहरी के लड़ाई झगड़ा का है भाई? भौजी के भला बुरा कही तो क्यों चुप रही का? अरे तकल तुहार भौजी दूध के धोयल वाली का, जब से ही घर में आइल बा रोज कोई ना कोई नया बखेरा खड़ा हो जात बा। बापुआ के पढ़ा लिखा के बलिस्टर बना दियन, बड़का मास्टराइन आइल बानी। कहबर एकर बोर्ड जल्दी ने स्कूल खोले, ये घर है स्कूल ना। आज से ये पढ़ाई लिखाई तुहार पर ना बंद हुई पढ़ाई लिखाई। काहे बंद हुई पढ़ाई लिखाई? का चाहता नहीं आप कि पपुआ अनपढ़ रह जाए? वाह बेटा, हम देख रहल बानी जब से ये लड़की घर में आइल बा तब से तू बहुत जवाब देवे लगला है। जवाब नहीं खी देत बाबूजी, अगर ये गलत करी ना तो सबसे पहले एकर विरोध हम करब, लेकिन अगर सही करी तो एकर साथ देवे से भी पीछे ना हटब। अरे तो देर काहे कैले बड़ा, सुबेरे साहब एकर पैर छुअल करा। अरे तो का हो जाए पैर छू लेब तो? हां का हो जाए, ला छू लेनी पैर। हे भगवान, ये कैसन जमाना आ गई बा, मेहर पोसुआ कही के पाक सारे। बताओ इसे क्या कहते हैं? घंटा। घंटा? घंटा नहीं, भंटा चाची। भंटा? हाँ। अच्छा, लेकिन इंग्लिश में इसे ब्रिंजल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिंजल। वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं? मुरई। ओह गॉड। इसे क्या कहते हैं? चाउर। चावर इसे भोजपुरी में कहते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? भोजपुरी में के चावर ना चाउर कल जाला। चावर? चाउर। चाउर? करेक्ट। एक सेकंड, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा रही हूँ, तुम मुझे भोजपुरी सिखा रहे हो। इसे क्या कहते हैं? गहूँ। What's this? Nose. What's this? Cheek. What's this? Chin. What's this? Head. No. Say forehead. Forehead. अरे पपुआ, अरे 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 चाची, हम क्लास में पहला नंबर से पास हो गई नी। अरे का भाई? पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गई? हाँ भैया, पप्पू पास हो गई। बबलू भैया हमके बचा ला। का भाई? पूरा गांव वाला हमके मारल चाहता रे, अब तू ही हमके बचा सकेला। टेंशन मत ले, कुछ ना होई, सही जगह आइल बाड़े। रुका लो। अरे का हल्ला मचावला बाड़ा लो। बबलू, आज साबित हो गई बा इजे मास्टर है गांव के लेकिन के भविष्य खराब करा था। आज हमने क्या करा सोमसन? और आज तू बीच में बोलबा तो ठीक ना होई बबलू। कारे जब पढ़ावे ना आवेला मास्टर कैसे बन गए ले रे? अरे हमार तो नौकरी गई रे। वाह बिस्मिल्लाह भैया वाह, तोहर तो बॉम्बे वाली पतो पूरा गांव घर के नाम ऊंचा कर देले बिया। ऐसे कहल बा पढ़े लिखे नारी फैलावे उजियारी। वैसे मर भैया तहार पतोहू साबित कर देवी कि गांव के स्कूल के पढ़ाई लिखाई में रंग ढंग नहीं है। तोरे यहाँ के बहू 16 आना ना 18 आना बा। खुश कर देलू बहू, खुश कर देलू, सारा गांव में तोहरे चर्चा बा। बहू तोहरा ब्याह में तो हम कुछ ना दे पाऊंगी, तोहरे खातिर मांग टेकर लियल बनी लेला। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे लेला। हाँ, अरे उ का कहल जाला टैलेटवा। हाँ बहू, आप तोहरा के बाहर टैलेटवा खातिर ना जाए के पड़ी, हम फैसला कर ले बानी कि हम सेफ्टी घर में ही बढ़वाए। अरे बाहर कहे खाना मारे रे, भीतर लेके आओ। देखत का बाले नीचे रख। बहू तू सहरिया बारू ना असरे पर बैठा तो यही से हम अंग्रेजी लिया बाड़ी। ठीक बा ना? इट्स ओके। अरे ओके ओके छोड़ा, तनी बैठ के दिखावा। अब ससुर के सामने पता बैठी।
हाँ बात तो ये ठीक है बा, तो तू बैठ सकलू ना बैठा हम काहे बैठी रुवा बैठ के देखी ना भाई देखो एबे लाश शराब के कोन बात बा भाई बैठे वाला चीज बा बैठल जाई लागत है सरवा नकली माल दे ले बा हाँ? हाँ?
अरे बेटा जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये तुम हो। क्या चाचा जी, आने से पहले खबर तो कर देते। अरे नहीं बेटा जी, मैं तो तुम्हारा हाल देखने आया था। तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा हाल बेहाल हो गया है। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं जानना। सदा सुखी रहो, अब मैं चलता हूँ। समधी जी, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जाता नहीं जाता नहीं, कहले माने समधी जी ढेला मारे ऐसा। क्या मारे जैसा? अरे ढेला मारे ऐसा मतलब जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। अरे वाह, ये तो भोजपुरी बोलना भी सीख गई। ससुर जी भोजपुरी के रंग होबे ऐसन करे, कौनो रंग पे चढ़ जाला। चाचा जी हा? वो देखिए, उस कोने से लेके वहाँ उधर तक हमारा खेत है। तुम्हारा खेत? हाँ हाँ हमारा। अच्छा बताइए वो ट्रैक्टर कौन चला रहा है? अरे होगा कोई नौकर। नौकर नहीं, वो चला रहे हैं। वो कौन? अरे पप्पू के चाचा जी, आपके दामाद। और कौन? अरे तो ऐसा कहो ना कि निरहू चला रहा है। हाँ हाँ वही। अच्छा तो अब तुम निरहू का नाम नहीं लेती? वो गांव में कोई और पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती तो मैंने भी नाम लेना छोड़ दिया है। आपको पता है ये कितने मेहनती हैं? पूरी खेती अकेले ही संभालते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी एक बंधन है, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि गांव के लोग एक दूसरे को बांध के नहीं बल्कि एक दूसरे से बंध के रहते हैं। एक बात कही सब्दी जी, रउआ बहुत मजेदार आदमी बनी। ये चार दिन कैसे कट गई पता ही नहीं चलल। आप सही कह रहे हैं सब्दी जी, अगर मेरे ऑफिस का काम नहीं होता तो मैं दो चार दिन और रुक जाता। एक बात कहना चाहता हूँ सब्दी जी। कहिए। जिस लड़की को हम सारी जिंदगी सुधार नहीं सके उसे आप लोगों ने 6 महीने में सुधार दिया, इसके लिए मैं आपका और आपके परिवार का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। कर कोनो जरूरत नहीं के। आप सुनिए सब्दी जी, सोना रहुए बेटी ना, अब वो हमार बेटी बनी। हाँ। हमार बेटी। चाचा जी इठेकुआ और भेली है, माई देली है। अच्छा सब्दी जी मैं चलता हूँ। बेटा सब्दी जी के छोरा वालों जाता नहीं। चाचा सदा सुहागन रहो बेटी, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे।